हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन का। मैं देखेंगे आज डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या मैसेज होल्ड किया है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। जबरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर याद हो गए। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए थे और आई डोंट नो कि वीडियो क्लोज कैसे हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, मैं कुछ कार्ड्स निकाल चुकी हूँ। दी हैंग्ड मैन, ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन कार्ड, द स्टार कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सॉरी सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे द डेविल कार्ड आया है, बट ये आते ही मेरे इसको पिक करने से पहले ही ये रिवर्स हो गया, तो हम इसको रिवर्स लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये, और इसके नीचे ही द मून कार्ड भी था, तो हम यहाँ पे द मून कार्ड लेंगे। इन दोनों को हम साथ ही लेंगे, द डेविल और द मून को। यानी मून साइकिल पर आपके ऊपर कुछ ना कुछ भेजा गया था जो उसके पास आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, इसी के साथ एस ऑफ कप और नाइन ऑफ कप्स भी झांक रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ना लगातार आपके ऊपर नजर बनाए हुए है, कोई स्टॉक कर रहा है आपको, क्योंकि वो आपके हाथ से किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी छीनना चाहता है और अपनी लाइफ में ना सब कुछ हासिल करना चाहता है। ठीक है, ओके, बेसिकली यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो कोई जो है आप तो के पास आएगा, कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर, कोई ना कोई बिजनेस आइडिया लेकर, या कुछ ना कुछ रिलेटेड टू योर मटेरियलिस्टिक थिंग, रिलेटेड टू योर बिजनेस और समथिंग। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है बेसिकली किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो बहुत बुरी सिचुएशन है, फंसा हुआ है कोई काइंड ऑफ इश्यू है ना, उसको उल्टा टांगा हुआ पेड़ के ऊपर। जैसे ये देखो द हैंग्ड मैन है ना, ये उल्टा टांगा हुआ एक पैर के पेड़ के ऊपर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है कि किसी की परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, एंड वो इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, और सिचुएशन जो है ना उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा वर्स्ट है। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इट मीन्स कि वो जो भी पर्सन है मतलब वो इतना डिस्टर्ब है, उसकी लाइफ इतनी ज्यादा हेल हो चुकी है कि वो इंसान अपनी लाइफ में हर वक्त बेचैन रह रहा है, हर वक्त वो सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है अच्छे से, और हो सकता है अल्कोहल भी स्टार्ट किया है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जिसमें कि कोई इंसान बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, बहुत परेशान है, दुखी है, रातों की नींद भी चली गई है, और डिस्टर्बेंस की तो देखो इंतहा है, कोई बहुत परेशान है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान है बेसिकली, यहाँ पे जस्टिस झांक रहा है पीछे से। ओके, ठीक है, तो
द सन कार्ड द स्टार कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई इंसान जो है ना अपने जीवन में बहुत फेमस होना चाहता था, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहता था, बट चीजें वैसी हो नहीं पाई, उसके फेवर में नहीं हुई। ठीक है, जितना मतलब उसने इमेजिन किया था या जितने ज्यादा उसने सक्सेस के बारे में सोचा था वो चीजें उतनी नहीं मिली उसको, उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आई, तो कुछ बहुत ज्यादा खास कर नहीं पाया वो। और उसके लाइफ में ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए, ठीक है, जिससे वो निकल नहीं पाया किसी की। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली उसकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी के कुछ झगड़े और परेशानियां ज्यादा आई। अगर ये कोई पर्सन जो आपके वर्क प्लेस पर है, तो यानी कि इसने जो है कोशिश तो की होगी कुछ बहुत बड़ा करने की, क्रिएट करने की, सक्सेसफुल होने की, या फिर कोई बिजनेस क्रिएट किया था तो सोचा होगा बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया, इवन उसका उल्टा ही हो गया। ना तो काम मिला, ना अपॉर्चुनिटीज आई, ना फेमस हुआ, ना कुछ हुआ, और बेसिकली ना बोझ के तले दबता ही चला गया। और ये बोझ भी कुछ ऐसा है ना कि अननेसेसरी का काइंड ऑफ आप ऐसा कह सकते हैं कि देखो इसका जो है ना सुख चैन शांति, यानी कि इसकी लाइफ में मर्क्यूरी आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा वीक हो गया, और मर्क्यूरी जो है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं, शांति, पैसा और मतलब बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीजें लेकर के आता है। तो यहाँ पर वही चीजें उसके जीवन से चली गई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा होगा उसकी लाइफ में। और जब मतलब ऑब्स्टेकल्स उसके लाइफ में कुछ इस तरह के आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, कि जब वो सोचता भी नहीं है तब कोई हादसा हो जाता है, जब वो सोचता नहीं है तब वो चीजें हो जाती हैं। देखो ये इस कारण से हुआ है कि इस बंदे ने आपके ऊपर स्पेल किए थे, इस बंदे ने आपके ऊपर स्पेल किए थे मून साइकिल पर, और वो सारे के सारे स्पेल इसी के ऊपर वापस चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसके स्पेल इसी के सर पर जाकर चले गए हैं, इसलिए इसके जीवन में ये सभी चीजें होगी और अभी हो रही हैं, क्योंकि ये पास्ट और प्रेजेंट, बेसिकली मैंने बहुत डिटेल्ड रीडिंग निकाली है, तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक इसकी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये जो बंदा है ना अभी भी इसने हार नहीं मानी है, उम्मीद में है कि इसका बिजनेस या जो कुछ भी है बहुत अच्छा चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन कुछ कर रहा है ऑब्वियसली कि ये कोई बिजनेस हो सकता है इसके पास। ठीक है, तो बेसिकली ये कोई बिजनेस हो सकता है, जो कि उसके बिजनेस या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिसमें करियर, बेसिकली करियर होता है जिसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो चीजें इसने आपके लिए प्रोजेक्ट की थी, जो चीजें इसने आपके लिए स्पेल किए थे, वो सारे स्पेल इसी के सर पर चले गए हैं। वो चीजें जो आपके साथ होनी चाहिए थी, वो सारी हादसे, वो सारी चीजें इसके साथ हो रही हैं। देखो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जो दूसरों के लिए कब्र होता है, सबसे पहले खुद ही उसमें दफन होके मरता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है जिसमें ये इंसान अपने ही किए हुए कुकर्म के अंदर खुद ही दफन होके मर रहा है, बट अभी भी इसको उम्मीद है, इसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, अभी भी ये सोचता है कि इसका बिजनेस चल जाएगा, ये इसका करियर बहुत अच्छे से रन करेगा, ये नजर रख रहा है आपके ऊपर, स्टॉक कर रहा है आपको कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने आगे बढ़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिकली ये बंदा जो है आपके लाइफ में बहुत कुछ नजर बनाए हुए हैं, आपको ये बहुत ज्यादा स्टॉक करता होगा, आपकी हर एक अपडेट है इसके पास। ठीक है, आपके हर एक अपडेट है इसके पास, और ये बहुत ज्यादा आपको आपकी सारी खबर रखता है, और खबर रखने का एक्चुअल रीजन ये है क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ गई है कि जो कुछ भी आपके लिए कर रहा है वो सारी चीजें इसके पास रिवर्स हो रही हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ये आपको किसी तरह का कुछ ऑफर करना चाहता है। बेसिकली देखो, हो सकता है ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ये किसी तरह का सपोर्ट चाहता है ये आपसे, और ये सपोर्ट जो है ये इसलिए चाहता है क्योंकि इस सपोर्ट से ये अपने लिए, ये देखो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहता है, मतलब अपना भाग्य बनाना चाहता है अपनी लाइफ में। देखिए, तो ये जो पर्सन है अपनी अपनी लाइफ में,
बेसिकली बहुत कुछ बनाना चाहता है, यानी कि ये ना एक लग्जरी लाइफ चाहता है। और ऐसा हो सकता है कि आप अपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो और ये जो है पर्सन आपके स्टॉक कर रहा है, ठीक है, ये स्टॉक कर रहा है आपको और आपकी लाइफ में जो है इसकी पूरी नजर बनी हुई है और ये कर रहा है ऐसी चीजें जिसमें ये अपने लिए कुछ बनाना चाहता है। बहुत जल्दी ये बंदा आपको किसी तरह का कोई ऑफर करेगा और ये जो ऑफर है ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड होगा। मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ किसी तरह का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी तरह का पार्टनरशिप या कुछ ना कुछ प्रपोजल ये लेकर आएगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है आपको या तो गुड लक की तरह मानता है या फिर ऐसा मानता है कि आप अपनी इस जो भी अपने अपनी फील्ड के ना बेसिकली आप प्लेयर हैं, तो ये बंदा इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका है कि आप इस फील्ड के प्लेयर हैं और आपसे बेहतर कोई खेल नहीं सकता। तो बर्बाद तो नहीं कर पाया आपको, पर क्यों ना आप दोस्ती कर ली जाए और पीठ पे छुरा घोंपा जाए, है ना। तो कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि ये जो इतने इविल स्पिरिट आपके ऊपर कर चुका है, आपका भाग्य खाने के लिए आपको इतना ज्यादा मुसीबतों में डाल चुका है, वो कितना क्रीपी इंसान होगा, ट्रस्ट वर्दी तो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ये जो भी बंदा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में अपीयर होने वाला है, ठीक है, मगर आप तो उसकी सुननी नहीं है, ठीक है, बेसिकली आप तो उसकी सुननी नहीं है। चलिए तो कुछ मैसेजेस जो है चैनल डेक में से ले लेते हैं, सॉरी चैनल डेक नहीं है ये तो डिवाइन पता ही था, इंडियन डेक। तो बेसिकली कुछ जो है क्या हो रहा है ये, चलो तो कुछ मैसेजेस जो हैं अब यहाँ से ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए बहुत सारे कार्ड्स हैं जो ये कार्ड लेते हैं, जाना चाह रहा हूँ मैं शक्ति, ठीक है। तो कोई तो है जो आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस कर रहा है और बड़ी ही कुदृष्टि भी है इसकी। देखो इस बंदे ने ना अपना तीसरा नेत्र खोला हुआ है और ये जो तीसरा नेत्र होता है ना ये देखो शक्ति का है, यानी कि ये जो भी पर्सन है आपके ऊपर जो प्रोजेक्शंस कर रहा है ना, तो ईश्वर ने अब अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है इस इंसान के ऊपर, क्योंकि ये जो है आपकी लाइफ में लगातार 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 कुछ बहुत खटिया, बहुत ही गिरी हुई हरकतें करने की लगातार कोशिश कर रहा है और बाज नहीं आ रहा, ये भगवान समझ बैठा है खुद को। तो ईश्वर ने अपना तीसरा नेत्र आपके लिए, तो ईश्वर ने आपके लिए जो है अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। आंसू, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बंदा ये नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा, इसको आपका पैसा खाना है, इसको आपका हक मार के खाना है और ये बंदा लगातार लगा हुआ इस कोशिश में कि कहीं कोई तो स्पेल काम कर जाएगा, कोई ना कोई स्पेल तो शायद काम कर जाएगा और ये हराम का टुकड़ा खा लेगा। और ईश्वर जो है उन्होंने कुछ और ही प्लान करके रखा है इसको। ओके कार्ड नीचे दे दो, देखते होते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे रथ, यानी कि कृष्ण अपना रथ लेकर आ गए हैं एक बहुत बड़ी महाभारत करने के लिए। जो इसने आपके लिए बिछाया था ना जाल, उसमें ये खुद दब के मरने वाला है, ठीक है। इस बंदे ने बहुत ज्यादा कर दिया है, तो ये लगातार जो है आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रहा है और आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है हराम का कुछ खाने के लिए जो कि इसको मिलने से रहा, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी हिम्मत रखनी है और आपके सामने बहुत सारी चीजें
आने वाली हैं, आपको बहुत जल्दी चीजें पता चलेंगी, राज पता चलेंगे कुछ और, ठीक है। एक अच्छी पोजीशन जो है आपके जीवन में आ रही है, आप ऑलरेडी बहुत ही ब्लेस्ड हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, ईश्वर जो है हमेशा आपके साथ रहे हैं, तो आपको तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर ने जो है इसको चारों ओर से बेसिकली घेर लिया है। ये जो भी चीजें कर रहा है ना, ये इसको ईश्वर ने चारों ओर से घेर लिया है, और अब इसका अंत आ गया है, ये जो भी इंसान है, ठीक है। चलिए, तो अब से इस जगह से भी आउट स्मॉल, बेसिकली ना ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये लोग ना आपको किसी तरह का स्ट्रेस दे देना चाहते थे, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे देना चाहते थे, आपको परेशान कर देना चाहते थे, डिस्टर्ब कर देना चाहते थे आपके माइंड को, ताकि आप कोई काम ना अच्छे से कर पाए, और जो भी आप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो सभी चीजें डिस्टर्ब हो जाए, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए आपके ऊपर ना। देखो, बहुत सारा ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है, छोटी मोटी ही मैजिक नहीं हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, और इसकी वजह से हो सकता है आपके काम में बहुत ज्यादा, यानी कि जरूरत से बहुत ज्यादा अड़ंगे आए होंगे, तो ये बंदा ना बहुत ही ज्यादा नीच प्रवृत्ति का है, ठीक है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इस पर विश्वास ना करें, बिल्कुल ही नहीं। ओके, और कार्ड नीचे गिर गया है, फाइटिंग। यहाँ पे ना जैसे कोई यही होगा, आपका होगा, लड़ना चाहता है, जैसे आपसे भिड़ना चाहता है, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल देना चाहता है, अपनी नाकामयाबी का, अपनी हार का, जैसे कोई गुस्सा आपको आपके ऊपर डाल देना चाहता है, ठीक है। आपके जीवन की ना खुशियों को जैसे खा जाना चाहता है, इसको बहुत तकलीफ है, आपसे जलन भी हो सकती है। ये बंदा जो भी है, ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को आपके रोक देना चाहता है, ठीक है, और ये कर रहा है ऐसा, ये नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में खुश रहें, आपके जीवन में कोई भी अच्छी चीज आए, कुछ भी बेहतरीन हो, और आप खुश रहें, आगे बढ़े, करियर में कुछ ना कुछ नया बनाए, नया नया करें, तो ये जो है ना, ये चाहता है कि आपके जीवन जो है तकलीफों से भर जाए, और इसके लिए इसने एड़ी और चोटी का जोर लगाया, ठीक है, और गुस्से से भरा हुआ है, और अपने अपनी बेसिकली अपनी हार का गुस्सा ना आपके ऊपर डाल देना चाहता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया था इसलिए ये हुआ, तुमने ये डिसीजन लिया होगा इसलिए ये हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा कुछ बोलना चाहता है आपको। अपनी प्रोटेक्शन इसने फुल की हुई है, बट आपको ना ये बहुत ज्यादा घायल कर देना चाहता है, मतलब जैसे तहस नहस कर देना चाहता है, ये बिल्कुल ऐसा है ना, मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा वाला, तो बहुत ही साइकोपैथ टाइप का मुझे लग रहा है, बस जो होता है ना, वो सेड़ा बन के पेड़ा खाना है, बेफजूल दूसरे के घर में जाके के अपना टुकड़ा निकालना है, बेफजूल का ही, जहां से कुछ नहीं बनता, सेंसलेस बातें। तो एक कार्ड जो गिर गया था उसे ले लेते हैं। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन इसने आपको ना लगातार बहुत बुरे एक्सपीरियंस दिए हैं, ठीक है। इसने आपके जीवन की हर एक चीज में कुछ ना कुछ टांग अड़ाई है, और आपको जो है ना, इसने एक काइंड ऑफ होता है ना कि बेफजूल का रिबेलियस रहा है ये बंदा, इसने आपसे ना बेफजूल का पंगा लिया है, और चोट पहुंचाने की इसने आपको कोशिश की है, और इस चोट का कुछ कुछ सेंस नहीं है, बिना ये, मतलब ये अपने दिमाग में ही पागल हो चुका है, ठीक है। ये अपनी की हुई चीजों के लिए, अपने करतूतों के लिए ये आपको ब्लेम करना चाहता है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी चीजें खराब हो रही हैं तुम्हारी वजह से हो रही हैं। वो जो आपने कुछ फिल्म्स देखी होंगी जिसमें साइकोपैथ होते हैं बहुत सारे, है ना, और वो काइंड ऑफ किलर भी होते हैं, वो दूसरों को अपनी मूर्खता के लिए ब्लेम करते हैं और फिर उनके साथ कुछ क्राइम कर देते हैं, या काइंड ऑफ ऐसी चीजें, है ना। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही एक साइकोपैथ है जो अपनी हार के लिए आपको ब्लेम करना चाहता है, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए भी आप ही को ब्लेम करना चाहता है, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुमने किया था ऐसा, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ मेरे साथ, और उस चीज का बदला भी आपसे लेना चाहता है।
और अब तो बचेगा भी नहीं है जी, पहले तो उल्टा टंगा हुआ है पेड़ के ऊपर, ये एक टांग भी नहीं बचेगी। अपने कर्मों को नहीं देखते हैं लोग, कि कर्मों की मार पड़ी है। किसी निर्दोष को बेफजूल सताना, किसी निर्दोष को बेफजूल पंगा लेना, तो अपनी करतूतें नहीं देखते हैं लोग, कि अपने कर्मों की मार पड़ी है। इसने कुछ किया है, इसने ऐसे कर दिया, या फिर इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बस ये। ठीक है, आप खुद को हील कीजिए, ये तो नहीं करने वाला और इसके बस में भी नहीं है, क्योंकि ये तो हो गया है सेल्फ को। ठीक है, तो आप खुद को हील करते रहिए, अपने चक्रास को भी क्लीन करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बेसिकली बहुत कुछ कर लेंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे। अबंडेंस, तो आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, धन धान्य की अब आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और ईश्वर ने ना अब आपको इतने एक्सपीरियंस दिया है ना, कि आप काफी ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं और अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस आपको इस लाइफ में हुए है ना, ये आपको इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपको ईश्वर ने ये देना था, इतना सब कुछ देना है आपने। ठीक है, ये हमेशा हमेशा के लिए होगा, तभी इतने एक्सपीरियंस दिए हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बेसिकली, तो जब भी मौका मिले उसको जाने ना दे, अपॉर्चुनिटीज हमेशा नहीं मिलती हैं आपको। ठीक है, चलिए तो अब एंजल्स के कार्ड में से भी कुछ मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। दो कार्ड लेंगे, चलो खुद से आ जाते हैं। बैलेंस, आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो आपको ना डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर राहु, जिसने आपको बहुत परेशान किया है अब तक, वो अब आपके जीवन से जा रहा है सदा सदा के लिए, और अब आपको ना तो नजर लगेगी किसी की, ना किसी के, किसी टोने टोटके का, जादू का टोने का, या किसी भी चीज का असर होगा। ठीक है, क्योंकि राहु को तो उठा के ईश्वर ने कर दिया है दरकिनार और आपको कर दिया है सेंटर, यानी कि आपको ईश्वर ने बीच में कर दिया है जीवन के, और आपके जीवन में अब चारों तरफ से हर दिशा से बैलेंस आ रहा है, यानी कि आप, आपके जीवन में ना परेशानियां नहीं आएंगी, हमेशा स्ट्रगल ही नहीं करते रहोगे। हो सकता है आपका स्ट्रगल बहुत अर्ली एज में हो गया हो स्टार्ट, तो यहाँ पे जो है अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में अब ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। सरेंडर, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान फॉर मी। तो आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, और ईश्वर के प्लान के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, कंपैशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन आया है। ओके, तो बेसिकली आपके जीवन में हो सकता है प्यार आ रहा हो, इस प्यार को आपको रिफ्लेक्ट करना है, कंपेंसेट करना है, यानी कि जो मिल रहा है जो देना भी है, इक्वल गिव एंड टेकिंग करनी है। ये नहीं है कि हील नहीं हुए हो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो वैसा हुआ था, और मैं तो अब जो है अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगी, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी। एक कायर और एक गंवार इंसान जिसने आपकी लाइफ में इतना इतना कुछ कर दिया, आप उस इंसान के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल करेंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हील कीजिए खुद को और मस्त लाइफ जियो। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, तो पर्सन हो सकता है ये पर्सन लेकर आ रहा हो, या फिर ये आपके लिए गुड लक भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने टाइम से इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष अब आपको देने वाला है, फ्रूट देने वाला है बेसिकली। ठीक है, चलिए आखिरी मैसेज एक ले लेते हैं यहाँ से। कीप इट टू योर सेल्फ, आपके जीवन में ना कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और आपको जो है कहा जा रहा है कि जो भी चीजें हैं उनको आप अपने ही तक रखिए, किसी को बताइए मत कुछ भी, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ बताएंगे ना, तो हो सकता है आपके ऊपर ना कुछ इविल स्पिरिट हो, या फिर मॉनिटरिंग स्पिरिट भी होती हैं, उनको इसीलिए रखा गया है, वो भी जॉब कर रहे हैं तांत्रिकों के अंडर। ठीक है, तो
जो भी आपको चीज करनी है लाइफ में, जो मिलना है या जो भी करना चाहते हैं, उसको अपने ही तक सीमित रखिए। किसी को कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो चीज आपको देनी है ईश्वर सडन दे देंगे। ठीक है, जो भी आपको देना है ईश्वर ने वो आपको सडन मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और बहुत ज्यादा अपना खुशियों को सबके साथ बांटने की जरूरत नहीं है। हर इंसान दोस्त नहीं होता और हर कोई समझने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये मैं सही। एक विश आई है आप लोगों के लिए, कुछ मांगना चाहते हैं तो ईश्वर से मांग सकते हैं आप। वाइब अलोन अंटिल यू आर वैल्यूड। आपको कहा जा रहा है तब तक आप अकेले ही वाइब कीजिए जब तक कि लोग आपकी वैल्यू करना सीख नहीं जाते हैं। गॉड स्टिल आंसर्स प्रेयर एंड बिलीव। ईश्वर अभी भी आपके सवालों के और प्रेयर्स के जवाब दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। ठीक है, गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। योर मेगा मिरेकल इज नॉकिंग एट योर डोर। तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में टक नक नक करने वाला है। बिलीव यू डिजर्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। आपको कहा जा रहा है कि आप विश्वास कीजिए कि आप इस चीज के योग्य हैं और ईश्वर जो है ये यूनिवर्स आपको जरूर देगा वो चीज जिस चीज के आप योग्य हैं। तो थोड़ा इंतजार कर लो भाई, कोई मिस कर रहा है आपको, दिख रहा है? कोई मिस कर रहा है आपको। नो वन कैन स्टॉप यू नाउ। तो भाई कोई भी आपको रोक नहीं सकता है अब। नो वन इज यू एंड दैट इज योर पावर। तो कुछ लोग हैं जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, बट क्योंकि वो लोग आपके जैसे नहीं है, यही सबसे बड़ी आपकी पावर है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो लोग आपके जैसे हैं ही नहीं। वो आप हैं ही नहीं, आप हैं, वो आपके जैसे भी नहीं है और आपकी कॉपी तो कभी भी बन नहीं सकते। ठीक है, Why didn't you come to convince me? ये इसी को शिकायत होगी जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है ना? तो शिकायत है भाई, तुमने क्यों ऐसे किया? तो वही जो मैंने कहा कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देना चाहता है कोई। यू हैव अ हीलिंग स्माइल। हो सकता है आपके पास मेरी ही तरह एक हीलिंग स्माइल हो। ठीक है, तो हो सके तो जितना मुस्कुराते रहिए और लोगों को हील करते रहिए। मिरेकल इज कमिंग इन टू योर लाइफ। तो कोई चमत्कार आपके जीवन में जस्ट आने ही वाला है। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। तो समय बदल रहा है और चीजें भी आपके लिए पूरी तरह से बदल रही हैं। बिलीव इन गॉड। ईश्वर कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो, दैट्स ऑल। और आपको भी ही करना है कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में होते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी सब लोगों को मैं। मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है, 30th of September से मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी ही खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो मेल पर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज, कॉल आप रिसीव नहीं होते हैं। आपको मेल पर डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।